मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है, हैं? ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार निकलेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, एक क्या है, यहाँ देखो एक ट्रायंगल है, समझो पहले कंस्ट्रक्शन को, ये क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी मान लो, ये क्या है, त्रिभुज है, इस पर एक छोटा सा स्ट्रिप मान लिया, ये जिसका लेंथ हो गया डी वाई, डी वाई सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, डी वाई ले लिया, इसको मान लो डी है बिंदु, ये बिंदु मान लो ई है, तुमको सीधा कहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल, बस इतना बात दोहराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो करेंगे कहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ रेक्टेंगल, तो पूरा बात करना पड़ेगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ सर्किल, वही बात करना पड़ेगा, ई हुआ तुमको है, और देखो सिलेबस में लिखा है ये बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, होलो, होलो सर्कुलर, होलो रेक्टेंगल, आई सेक्शन, एल सेक्शन, ये सब दिया हुआ है, टी सेक्शन, तो सब सेक्शन का हम बताएंगे ना, अभी प्लेन फिगर का चल रहा है, फिर कंपोजिट फिगर का देखेंगे। तो अब ये मान लो ये एक्स वाई वाला एक्सिस है, ये अपना एक्स वाला एक्सिस है, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाला हो गया, ये मान लो बिंदु सी है, ये मान लो क्या है, सी डैश है, ये सी है, ये क्या है, सी डैश है। अब चलो, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको निकालना है इस फिगर के, इसके सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल का जो सी जी होगा, कहाँ पर सी जी लाया करता है, यहाँ से बेस से एच बाय थ्री पर, बेस से एच बाय थ्री पर, आ ऊपर से लाया करेगा, ये टोटल मान लो हाइट एच है, टोटल हाइट कितना है, एच यदि है टोटल हाइट, ठीक है, आ टोटल एच मान लिया है, एच बाय थ्री है, तो ये कितना होगा, तो इसका सी जी टू एच बाय थ्री फॉर्मूला करा दिए, तो हमको एच बाय थ्री में एक्सेस वाट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसके लिए, इसके लिए क्या करेंगे, या तो तुम इस बेस के वाट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसके वाट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऊपर नहीं तो हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये कोई एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस, मान लो ये एम और एन है, ये क्या है, समझो यहाँ पर, नहीं तो फिर पछड़ेगा एग्जाम में, अभी तो आसान लगता रहा ना, अभी इसीलिए पढ़ रहा है, इसीलिए बाद में बोलता है, हम क्या करेंगे, मेरा जो एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, एक्स एक्स अबाउट इस ट्रायंगल का, इसका क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एन के अबाउट पता कर लेंगे क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, मेरे उसके पहले से सरोंग यूज करके निकाल लेंगे, कैसे करेंगे दिखाते हैं, तब पता चलेगा, फिगर बना लो थोड़ा सा, देखो चलो स्टेट में कुछ नहीं है, देख लो तब उतारना, हमको बाद में ज़रूरी पड़ेगा डी का वैल्यू, अरे डी लेंथ है तो निकालेगा एरिया, डी गुना डी वाई जरूरी पड़ेगा, एरिया निकालेंगे डी का मान, तो पहले डी का मान निकाल लो, तब अगर हम लोग काम आसानी हो जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा डी का, क्यों तो पता चला ना, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा तो दोनों के बीच का दूरी क्या स्क्वायर, और कितना है दूरी नहीं है पता, तो दूरी मान लो तुम वाई है, यहाँ से यह कितना दूरी पर है, वाई डिस्टेंस पर है, मान लो यहीं दिखा दो, ये वाई डिस्टेंस पर है, तो वाई डिस्टेंस वाई स्क्वायर गुना इसका एरिया करेगा ना, इसका एरिया, इसका एरिया निकालेगा तो डी बराबर डी गुना वाई होगा, तो डी का मान निकालेगा तभी लेंथ यहाँ से कितना होगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगा, तो पहले डी का मान निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज देखो दूगो है, एगो है ए बी सी, एगो है डी ई सी, दोनों समरूप है, कैसे समरूप है, दोनों का एंगल सी बराबर मतलब एक ही कोण है, और डी ई पैरेलल बी सी है, तो अपना बुझ गया होगा कौन लगेगा अपना, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर किसके हो, डी ई सी होगा, अब यहाँ देखो इसीलिए ए बी दोनों समरूप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम ए बी का लिए हैं, हमको पता किया है, ये ए बी जो तुमको है ये क्वेश्चन दे देगा, इसका दे देगा, ये जो तुम्हारा त्रिभुज है ना ब्रिथ दे देगा, उसका हाइट दे देगा, उसका डायगोनल वाला नहीं देता है, पता होगा तुमको इतनी अभी तक जो डाटा गिवन रहता है, तो एच और बी पता है, तो हम जो रेशियो लेंगे बी एच के अनुसार लेंगे, इसका ले लिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी ले होगा, वही काम आएगा, देखो ना पहले बी एच सिर्फ दो गुण पता है, यानी कि इसका बेस हाइट पता है, तो बेस हाइट में समरूप का मतलब काम करेंगे, तो ए बी बटे सी सी डैश, ए बी बटे सी सी डैश बराबर
डी ई बटे वाई। देखो ये ए भी त्रिभुज का हो गया बेस, अब बेस हाइट क्या है सी सी डैश, यानी कि बेस बड़का त्रिभुज का लिया है ऊपर में भी नीचे में हाइट लिया है, छोटका वाला त्रिभुज का भी बेस लो हाइट लो, बेस डी ई ले लिया हाइट वाई ले लिया, बोलो हो गया क्लियर। अब यहाँ से देखो डी का मान निकलेगा, तो यहाँ से डी का मान निकालेगा तो क्या होगा, डी का मान डी का रहने दो वाई को भेज दो यहाँ से, तो ए बी बटे सी सी डैश गुना वाई, बोलो डी है वाई चला गया, तो यहाँ से बोलो डी का मान क्या निकलेगा, ए बी का मान देखो कितना है बी, ए बी का मान कितना है बी, आ सी सी डैश का ए बी का मान बी, सी सी डैश का मान एच यानी वाई, यानी कि यहाँ से कह सकता है इसीलिए डी ई बराबर क्या बोलेगा बी एच बटे बी वाई बटे एच, यही ना हुआ। अब हमको पता चल चुका है तो अब क्या करेंगे, हेंस एरिया ऑफ स्ट्रिप, उस एरिया का स्ट्रिप निकालो डी ए बराबर क्या होगा डी ई गुना डी वाई होगा, बोलो इस स्ट्रिप एरिया क्या होगा डी ई गुना डी वाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, रेक्टेंगल है लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो डी गुना डी वाई, और डी का मान तुमको पता है पहले निकाले इसीलिए, तो बी बटे एच इंटू वाई इंटू डी वाई। अब देखो इस स्ट्रिप का एरिया चल गया पता, अब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो किसके अबाउट, एम एन के अबाउट, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर गुना एरिया, बात खत्म है, फिर उसी का समेशन लगा देंगे वो निकलेगा, पैरेलल थ्योरम का यूज कर करके इसके अबाउट निकाल लेंगे, बात खत्म है ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एम एन एक्सिस, अबाउट एगो एम एन हम लोग क्या मान लिए हैं एक्सिस मान लिए हैं, उसके अबाउट निकालो, तो बोलो स्ट्रिप का निकालना है ना, तो डेल्टा आई क्या होगा, सब वही बात है डेल्टा आई एम एन क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या लिखे हैं डेल्टा एम एन बराबर दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर गुना एरिया डी ए होगा, यहाँ तक होगा, तो डेल्टा आई एम एन बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से वाई स्क्वायर, और डी ए का मान क्या बोलेगा यहाँ से बी बटे एच इंटू वाई इंटू डी वाई, तो क्या बोलेगा यहाँ से बी बटे एच वाई क्यू डी वाई होगा। चलो यहाँ तक नोट करो पहले है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब वही होवे करता है, ट्रायंगल किसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमाओ वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है ठीक है। तो अब देखो तो इसके अबाउट निकालना है ट्रायंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक स्ट्रिप मान लिया डी ई जिसका लेंथ डी ई है और जिसका थिकनेस डी वाई है, इस एक्सिस से दूरी वाई है ना वाई, इसका डी ई का लेंथ निकाल लिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी ई आधार बटे हाइट बड़का वाला का, आधार बटे हाइट छोटका वाला का, यहाँ से डी का मान निकला बी एच बटा वाई, बी एच गुना वाई बी एच इंटू वाई हो गया। अब डी का मान पता चल चुका है, एरिया निकाल लो इस स्ट्रिप का डी ए बराबर डी ई गुना डी वाई, डी ई गुना डी वाई, डी ई का मान यहाँ से गुना डी वाई। अब हमको किसी भी एक्सिस का अबाउट निकालना है, किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर और खुद का उसका एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एम एन एक्सिस, एलिमेंट्री स्ट्रिप का किसका बोले हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप का बोले हैं ना, किसके अबाउट एम एन एक्सिस के अबाउट, तो डेल्टा एम एन छोटा सा है इसे डेल्टा लगा दिए हम लोग, तो क्या होगा दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर गुना डी ए, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर गुना डी ए, इससे यहाँ का दूरी हम लोग डी ए वाई मान ली, वाई दूरी ऊपर होगा वर्टिकल है तो वाई हम लोग मान लिए, अब बोलो वाई स्क्वायर रहने देगा और डी ए का मान यहाँ से है रखा यहाँ पुट कर दो वाई स्क्वायर गुना वाई वाई क्यू बी एच बटे इतना हो गया यहाँ तक। अब इसी को क्या करेंगे, अब देखो ई यहाँ से शुरू हुआ है ना, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे वाई यहाँ, यहाँ देखो टोटल हाइट कितना है एच है कितना है एच, यहाँ एच का मान क्या होगा जीरो, यहाँ एच का मान एच यानी कि वाई बराबर जीरो से वाई बराबर एच तक इंटीग्रेशन कर देगा पूरा, समेशन भी लगा सकते हो आइए भी लगा दो हम लोग, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है इसीलिए इंटीग्रेशन समझने में इसमें ठीक रहेगा, समेशन उसमें सिर्फ करते हैं उसमें अल्जेब्रिक सम करते हैं ना, यहाँ जीरो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन एक स्ट्रिप का निकाल लिए ना, स्ट्रिप का पता चल चुका है, अब पूरा का निकालना है तो जीरो से एस तक इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा ही निकल जाएगा, इंटीग्रेशन तुमको आसान रहेगा, समेशन वहाँ था उस कंसेप्ट को समझने के लिए इसीलिए लगाए थे वहाँ पर समेशन।
अब देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए आई एम एन बराबर, मतलब बुझ गया होगा ना, होल बॉडी कमेंटेड ने चाहिए किस चीज़ के अबाउट, एम एन के अबाउट, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा डेल्टा आई एम एन, इसी का इंटीग्रेशन तुम समेशन से बना सकते हो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से एस तक, जीरो से कहाँ तक, एस तक, बहुत ईजी होता है इंटीग्रेशन, इसीलिए आसानी से तुमको निकल जाएगा, कोई लफड़ा वाला बात इसमें नहीं, इंटीग्रेशन हम लोग अच्छा तरीका तुमको पकड़ है, लेकिन समझ अच्छा तरीका तुमको पकड़ नहीं है, ये बात भी है। तो अब बोलो जीरो से वाई बराबर जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया, वाई बराबर एच तक, ये जो इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं ना, मैथ नहीं बात इंपॉर्टेंट है, यही जनरली सबको मैथ में होता है, नटेक आदमी वाला को, क्योंकि नटेक हम लोग को मास्टर मैथ पढ़ाया था ना, उसको भी बहुत दिक्कत है इसमें, तो हम टेक्निकल पर्सन है, देखो इस कैसे कैसे क्यों करते हैं ऐसा, हम ऐसे ऐसा मैथ में पूरा इसका यूज है, कहाँ से तुम्हारा एक्सिस है, ये वाई है, वाई वेरी कर सकता है ना, मैक्सिमम ये तुमको इसके नज़दीक होगा, मतलब इसी का ये स्ट्रिप यहीं पर आ जाएगा जीरो, ये जो वाई इसका क्षेत्र कहाँ तक है बढ़ सकता है यहाँ तक, तो ये टोटल तक उसका नीचे वाई बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इसीलिए लिमिट लिए वाई बराबर जीरो से वाई बराबर एच तक, हम लोग लिमिट के वाई बराबर जीरो से वाई बराबर एच तक लिमिट लिए हम लोग, अब जीरो से लिख देंगे एच तक, और डेल्टा आई एम एन का मान क्या आया है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस दिस एलिमेंट्री एरिया डी अबाउट एम एन एक्सिस, अबाउट एम एन एक्सिस क्या आया है मान, बोलो इसका बी बाय एच वाई क्यू इंटू डी ए, अब हम कैसे बोलेंगे कौन यही आया है ना, डी वाई है यहाँ पर, चलो ये आई डेल्टा एम एन का, देखो डी फिक्स रहेगा एच भी फिक्स रहेगा ट्रेंगल का, लेकिन वाई एन करेगा वेरी, इसीलिए इंटीग्रेशन हमेशा होता है वेरिएबल का, यहाँ वाई कैसे बना वेरिएबल समझ में आया, वो तो रट्टा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिक कंसेप्ट समझो, वाई वेरी कर सकता है ना, यहाँ यहाँ जो वेरी करता है वही वेरिएबल, जो करे वही वेरी करेगा वही वेरिएबल, लेकिन इसका ट्रेंगल का विड्थ और हाइट तो फिक्स रहेगा, जिस त्रिभुज का तुमको निकालना है विड्थ हाइट तो फिक्स रहेगा ना, वाई एन स्ट्रिप करेगा वेरी ऊपर नीचा, इसीलिए बी वाई एच क्या होगा यहाँ से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एच वाई क्यू डी वाई बी बटे एच वाई क्यू की इंटीग्रेशन वाई के बराबर फोर बटे फोर कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एच तक, अब कहेगा सर सी जोड़ेंगे, जोड़ो सी अपने कट जाएगा वो, ठीक है अपने कट जाएगा वो, बी नहीं जोड़ता है, जोड़ कर भी देखो तो वो कट जाएगा, चार आ जाएगा बाहर, तो फोर एच है वाई के जगह पर एच बैठ जाएगा, तो एच के पावर फोर माइनस जीरो, तो क्या होगा बी एच के पावर फोर बटे फोर एच, ये किसके अबाउट निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकला, एम एन एक्सिस के अबाउट निकला ना, एच कट जाएगा, तो बन जाएगा बी एच क्यूब बटे फोर, यानी कि आई एम एन एक्सिस के अबाउट निकल गया बी एच क्यूब बटे फोर, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, बताओ फॉर्म इसीलिए आई एक्स एक्स बराबर, आई एक्स एक्स बराबर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट ये क्या लिखे आई एक्सेस बराबर वही होता है उसका मतलब लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हमको चाहिए, अब बोलो क्या होगा, अब सोचो थोड़ा सा, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है एम एन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का एरिया गुना दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, बताओ दोनों के बीच का दूरी कितना है यहाँ पर, तो बता सकता है, हाँ टू एच बाय थ्री, क्योंकि सीजी है ना ये, तो टू एच बाय थ्री का होल स्क्वायर होगा, अब बोलो आई एक्सेस का मान निकलेगा यहाँ से, आई एक्स एक्स बराबर आई एम एन प्लस इतना होगा, ठीक है तो लिखा रहा है, सोचो आई एक्स एक्स निकालेंगे, आई एक्स एक्स हम निकाल लेंगे, घटेगा उसमें, ठीक है तो आई एम एन माइनस आई एक्स एक्स और आई एम एन माइनस ए गुना टू एच बाय थ्री का होल स्क्वायर, आई एम एन का मान बोलो बी एच क्यूब बटा फोर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई, एक बटे दो गुना आधार गुना कोई बुझेगा तो कहेगा त्रिभुज दुदुनी चार, दुदुनी चार एच स्क्वायर तीन तिया नौ, देखो कोई कटने उठने वाला है,
हैं, तो आई एक्स एक्स बराबर है बी एच क्यूब बटे फोर माइनस, देखो दो दूनी चार, दो बटे नौ गुना बी एच क्यूब। इसको जब करेगा कैलकुलेशन तो ई आएगा तुमको एलसीएम मतलब बी एच क्यूब कॉमन लेने के बाद, यानी कि ये क्या होगा बी एच क्यूब कॉमन लेगा तो एक बटे चार माइनस दो बटे नौ है एक बटे चार माइनस दो बटे नौ एक बटे छत्तीस, यानी कि आ जाएगा बी एच क्यूब बटे छत्तीस। अब जहन बैठा लो सूत्र को, भूलना नहीं है कभी, यानी कि त्रिभुज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स के अबाउट, यानी कि आई एक्स एक्स के अबाउट बी एच क्यूब बटे छत्तीस। अभी भी वही टेक्निक है जो पहले था, इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल है आई वाई में लगा देना, आई वाई में इसके पैरेलल आई वाई पैरेलल कोनो साइड है ही नहीं, वहाँ अलग हो जाता है, हमको सिर्फ सेंट्रल एक्सिस के बाद पढ़ना है ना, तो इसे इसमें ही पढ़ना है, यानी कि आई एक्सिस निकालना है तो बी और परपेंडिकुलर बटा क्यूब और बटा छत्तीस। ये हुआ ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सी जी आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बी एच क्यूब बटे छत्तीस। नोट करो इसको, इसका तो आई वाई नहीं पढ़ना है।